जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में काफ़ी ऐसी जड़ी बूटी और वनस्पतियों का ज्ञान दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है कि यदि उनका इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति जीवन में इतनी शक्ति हासिल कर सकता है, जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी ही एक वनस्पति के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस वनस्पति का यदि आप सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो आप जिस किसी भी व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करेंगे वह व्यक्ति कायदे सर आपका गुलाम बन जाएगा। आप जो कहेंगे उसी बात को व्यक्ति मानेगा। आपको वज्रदंती की जड़ ढूंढनी है। वज्रदंती की जड़ आपको अपने घर लेकर के आना है रोहिणी नक्षत्र में, और इसको लेकर के आप आए, इसको आप जब तोड़ें तो इसको तोड़ने के लिए आपको किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हाथ से तोड़ना है। किसी भी तरह के आपको हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी सजीव चीज को, वनस्पति को, जड़ पौधे पत्ती को लाना है तो एक दिन पहले उसे आमंत्रण देकर के आए और उसके बाद दूसरे दिन ही उसे लेकर के आए। सीधे कभी भी ना लाएं, अन्यथा उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आप रोहिणी नक्षत्र में लेकर के आए वज्रदंती की जड़ को घर पर, और उसको व्यवस्थित साफ करें, शुद्ध जल से उसको साफ करें। इसके बाद में नाग केसर के तेल में उसको आप 30 दिन तक डुबो करके रखें। 30 दिन तक वो नाग केसर के तेल में उसको डुबो करके रखें। इसके बाद में इस जड़ का आपको जहां कहीं भी किसी पर भी प्रयोग करना है तो आप इसको अपने मुख में दबा लें। छोटा सा एक टुकड़ा इसका अपने मुख में दबा लें। अब आप जिस किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे, आप जो बात मनवाना चाहेंगे, चाहे आप कहीं भी हो, लेकिन आप इसको अपने मुख में रख करके सामने वाले व्यक्ति से जो कहेंगे, सामने वाला व्यक्ति उसी बात को सत्य मानेगा और वही कार्य वो करेगा। तो दोस्तों, ये था आज का उपाय। अब चलिए, मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।